मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जिंदगी और आपकी पढ़ाई और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और जिस काम को आप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन सपनों को पाने के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ रहे हैं, आई होप, आशा करता हूँ कि आप उसको पूरा करेंगे अपने मेहनत के दम पे, अपनी ताकत के दम पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिनका किसी भी वजह से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो पाया तो वो क्या करें, उनके लिए बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस क्या हैं। जैसा कि मैं बता दूं आपको कि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो JNU हो या हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके एडमिशन के डेट्स खत्म हो गए हैं, क्लोज हो गए हैं। अब आप फॉर्म सिर्फ अगले साल ही भर पाओगे, ठीक है। सो इस साल आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, इस साल आप एडमिशन में नहीं ले पाओगे, तो फिर आपके पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस क्या है, ठीक है। समस्याएं हैं, आपको समस्याओं को सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं दो तीन स्टेप बताऊंगा कि उनको सुन, दो तीन स्टेप को फॉलो करके हम बेस्ट अवेलेबल डिसीजन को चूज कर सकते हैं। जैसे BHU को फॉर्म भरने का आपने बेस्ट डिसीजन लिया, तो उसी तरह आपको आने वाले दिनों में भी बेस्ट ऑप्शन को चूज करना है, बेस्ट डिसीजन लेना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपकी लाइफ और ज्यादा बेस्ट डिसीजन आप लोगों के, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने लगेंगे, ठीक है। राइट, तो पहला बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या होगा आपके आसपास, या आपने आसपास लोकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, प्राइवेट ले लो, या आपको क्लास में अटेंड करना पड़े, ठीक है। आप खुद से मेहनत करके आप तैयारी करो, चाहे वो कंपटीशन तैयारी करो, चाहे वो अगले साल फिर BHU का एग्जाम देना हो उसकी तैयारी करो, ठीक है, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी की तैयारी करो, या फिर किसी और यूनिवर्सिटी कॉलेज की तैयारी करो। तो ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हो गए पहले। और दूसरा क्या होगा, अगर आप ट्रिपल टू में साइंस से हैं, बायोलॉजी से हैं, मैथमेटिक्स हैं, तो आप NDA की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो नेशनल डिफेंस अकेडमी द्वारा मतलब होती है, उसका फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस अकेडमी होता है, जिसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। इससे बेस्ट फायदा क्या होगा, जब आप NDA का एग्जाम करने के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन करोगे, तो उससे क्या होगा, आपका NDA के लिए प्रिपरेशन तो होगी तो होगी, और अगल बगल जो सारी यूनिवर्सिटीज हैं, साइंस की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा, क्योंकि जो NDA का लेवल होता है वो काफी हाई होता है, ठीक है। और भी चीजें क्लियर है। दूसरा, तीसरा आपको क्या करना है, अगर आप फिर भी अगर आपको लग रहा है कि आपके आसपास जो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं, लोकल कॉलेजेस हैं, या फिर लाइक बिहार में कुछ बहुत बेकार कॉलेजेस हैं, मैं जानता हूँ उनके बारे में, सेम उसी तरह UP में भी बहुत बेकार कॉलेजेस हैं, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हो गया, उससे अपडेटेड कुछ कॉलेज हैं जो एकदम घटिया हैं, ठीक है। सो हर जगह का अपना ड्रॉबैक होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर आप उस ड्रॉबैक से बचना चाहते हो, ड्रॉबैक से निकलना चाहते हो, तो आप इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। यहाँ से आप BA, BSc, BCom, ठीक है, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप PG में हो तो यहाँ पे PG कर सकते हो, ठीक है। आप फीस यहाँ के भी बहुत ज्यादा नहीं है, करीब करीब 3000 से लेकर 5000 के बीच में ही है एक साल का, ठीक है। दो साल का जो फीस होगा करीब 8 से 10 हजार के बीच ही होगा, आप आराम से मैनेज कर पाओगे, आप दे पाओगे और आप घर बैठे पढ़ाई कर पाओगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जो इग्नू की पढ़ाई होती है, जो इग्नू के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, वो आपको इग्नू द्वारा आपके पते पर, दिए गए पते पर भेज दिया जाएगा। अगर आपको आने में लेट होता है तो आप इग्नू का ऐप इंस्टॉल करके आप वहां के डॉक्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं आपको। हाँ, तो इग्नू का लास्ट डेट मैं बता देता हूँ, इग्नू का लास्ट डेट है 31 जुलाई 2019, जिसमें आप फॉर्म भर के आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इस टाइम अगर एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप दिसंबर के लास्ट में फिर उसका फॉर्म आता है, अब उस टाइम भर के आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, खांसी आ रही, तबीयत थोड़ी खराब है। तो ये बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन जो हो गया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और चौथा ऑप्शन क्या हो सकता है कि इस तरह और भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस है, आप वहाँ पे ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस लेके यूट्यूब के थ्रू, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी से कुछ कोचिंग खरीद के आप वहाँ पे उसको ज्वाइन करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो, किसी भी जनरल कंपटीशन की, चाहे किसी और कंपटीशन की हुआ हो, ठीक है। स्कॉलरशिप के भी कई फॉर्म ढेर सारे आते हैं, आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
तो ऑप्शंस खुले हैं, बस आपको आंखें खोल कर देखने की जरूरत है, ठीक है। और दूसरी चीज मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप अगर आप कहीं एडमिशन नहीं ले रहे हैं तो आप इग्नू में जरूर ले लीजिए। इग्नू में लेने का फायदा ये है कि आपको सारी हाई लेवल की बुक्स मिल जाएंगी, हाई लेवल की, ठीक है। आपको हर आपको असाइनमेंट जमा करना पड़ता है उनके रीजनल सेंटर पे जाके, जैसे अगर बनारस में हो तो यहाँ पे यूपी का भोजपुर में उसका रीजनल सेंटर, आपको वहाँ पे असाइनमेंट जाके जमा करना होगा हर 3-4 महीने पे। और आपका एग्जामिनेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होता है, नकल नहीं होती है। तो अगर नकल नहीं होगी तो आपको ओबियसली पढ़ना पड़ेगा, जब आप पढ़ोगे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, आपके दिमाग चिचू खुलेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, आप क्या क्या कर सकते हैं अगर आपका एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं शुभम मिश्रा मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और अगर आपके पास कोई टॉपिक हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, मैं उन्हें रिप्लाई जरूर करूंगा और हर सबका रिप्लाई करता हूँ। और अगली बार मैं बताते चलता हूँ कि मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखा है, ठीक है, आप लोगों के लिए प्रिंट आउट्स हमें दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और इग्नू के मुझे कहाँ से फॉर्म भरना है, कहाँ से उसके बारे में डिटेल्स मिलेगी आपको, मैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन और नए नए वीडियोज मिलते रहे। और मैं बता दूं, मैंने BFA का एक कोर्स चलाया था जिसमें मेरे करीब करीब 10 से ज्यादा लड़कों का सिलेक्शन भी अच्छे हुआ है, ठीक है। और मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं BFA एग्जामिनेशन में, जिसमें 140 से 145 के बीच मेरे पढ़ाए गए क्वेश्चन आए हुए थे। तो ये काफी अच्छी बात है, कई सारे लड़कों को, बहुत सारे लड़कों को फायदा हुआ, मुझे सिर्फ 10-12 लड़कों के इन्फॉर्मेशन मिली वो सेलेक्ट हुए हैं। और भी ढेर सारे लड़के होंगे जिनको मेरे वीडियो से हेल्प मिला होगा, उनके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर आप उनमें से एक हो तो आप मुझे जरूर रिप्लाई करो। और हाँ, मैं आने वाले 2020 के स्टूडेंट्स के लिए BFA और BHBA का पेड को स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत माइन्यूट फीस होगी, ठीक है। और आराम से कोई भी पे करके, मैं हाई फाई लोगों की तरह, मतलब और दूसरे चैनलों की तरह बहुत ज्यादा फीस नहीं लूंगा, बहुत माइन्यूट फीस होगा जो एकदम वाजिब होगा, जिसको हम दे पाओगे आसानी से, ठीक है। अगर आप कोई पेड कोर्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप से हमें रिप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, नमस्कार, ख्याल रखिएगा अपना।